Good morning everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar. And in today's video, I will explain you worksheet 7. So, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 2 November 2020. With this, you will mention online classwork in your copies, and with this, you will mention lesson number 18 in your copies, which is phrases and clauses. Lesson name is not mandatory to mention because, as you all know, that we have already started our lesson on Saturday, and I have explained you the whole lesson. With this, we have done some uh, sorry, some definitions also related to phrases and clauses. And in today's worksheet, I will explain you the remaining definitions. So, let's see. So, the first definition is of clause. What is clause? Till now, uh, I have explained you about phrases and types of phrases. Now, what is clause? A clause is a group of words that has a subject and a predicate, it can be a part of a sentence or a sentence by itself. सो so, जो क्लॉस होती है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है मीन्स शब्दों का समूह होती है विच हैज अ सब्जेक्ट जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है एंड अ प्रेडिकेट ऑल्सो प्रेडिकेट मीन्स इट कंटेन्स वर्ब ऑल्सो सो so, उसमें सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ सेंटेंस बाय इट ये किसी एक वाक्य का हिस्सा भी हो सकती है और अपने आप में एक पूरा वाक्य भी हो सकती है ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर वो लड़की जो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है वो मेरी बहन है सो हेयर द इज हु इज बियरिंग द ब्लू ड्रेस जो ब्लू ड्रेस पहनी है सो so, यहाँ पे आपका हु सब्जेक्ट हो गया एंड व्यरिंग वर्ब हो गया जो ब्लू ड्रेस पहनी है बट इसका अपने आप में पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है सेकेंड इज इट इज द ट्रूथ ये सच है दैट द गर्ल्स एंड बॉयज दैट द गर्ल्स एंड बॉयज सो हेयर सॉरी आर इक्वल जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो इक्वल है सो दैट इज क्लॉस मीन्स इसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है गर्ल्स एंड बॉयज आपका सब्जेक्ट है आर इक्वल आपका वर्ब है सो so, क्लॉस uh, जो होती हैं उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है ये कभी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकती है एंड इट कैन बी अ फुल सेंटेंस बाई इट्स सेल्फ ऑल्सो नाउ काइंड कितने प्रकार होते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉरी दे आर टू काइंड ऑफ क्लासेज दैट इज इंडिपेंडेंट क्लास विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉस एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉस विच इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉस मेन क्लॉस एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉस सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉस वॉट इज इंडिपेंडेंट क्लॉस सो क्लॉसेज दैट मेक कंप्लीट सेंस ऑन देअर ओन आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लासेज और मेन क्लॉसेज इंडिपेंडेंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर वी कैन से स्वतंत्र सो so, ऐसी clauses, जो अपना मीनिंग खुद अपने आप कंप्लीट करती हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉस और मेन क्लॉसेस बोलते हैं मींस इनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है किसी भी अदर क्लॉज पर टू मेक मीनिंग कंप्लीट। सो द एग्जांपल इज रमा वाज टेकिंग फोटोज and Gitanjali was painting. So, they both are independent clause. If you will separate them, Rama was taking photos, Rama photo le rahi thi, the meaning is clear, and Gitanjali was painting, Gitanjali painting kar rahi thi. So, they both are independent clause. Next is, although Zoya was ill, she appeared for her examination. Halaki Zoya bimar thi, wo apne examinations ke liye ai. So, here what is uh, independent clause? The independent clause is, she appeared for her examination. If you will see, uh, although Zoya was ill, जोया वो बीमार थी द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट ओके एग्जामिनेशन वो अपने एग्जामिनेशन के लिए आई सो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉस इज डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स जो निर्भर करती हैं क्लासेज सो क्लासेज दैट कैन नॉट मेक कम्प्लीट सेंस ऑन देअर ओन एंड डिपेंड ऑन द मेन क्लॉसेज टू मेक देअर मीनिंग कंप्लीट आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लासेज और सब ऑर्डिनेट क्लासेज मीन्स ऐसी क्लासेज जो अपने आप में अपना मीनिंग कम्प्लीट नहीं कर पाती हैं एंड दे नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लास मीन्स उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है निर्भर करना पड़ता है एंड दीज टाइप ऑफ क्लासेज आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लासेज और सब ऑर्डिनेट क्लासेस क्लियर इंडिपेंडेंट क्लासेज आपकी uh, किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एंड डिपेंडेंट कॉलॉसेज डिपेंड ऑन द मेन क्लास टू कंप्लीट दियर मीनिंग कंप्लीट सो लेट सी द एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लासेज फर्स्ट ऑफ ऑल सो द फर्स्ट वन इज शी वॉज ईटिंग हरि बिकॉज शी वॉज हंगरी सो शी वॉज ईटिंग हारीली वो जल्दी जल्दी खा रही थी दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज द मीनिंग इज क्लियर सेकेंड आता है शी शिवज हंगरी वो भूखी थी द सेंस इज नॉट कंप्लीटेड यहाँ पर ओके सेकेंड इज यू आर ऑलरेडी अ चैम्पियन तुम पहले से ही एक विजेता हो whether you win or not tum ya na so it is a dependent clause chahe tum jeeto ya na jeeto the meaning is not complete whether you win or not so uh, that is clear i think uh, independent clauses complete their meaning on their own and dependent clauses need main clauses to complete their meaning now what are types of clauses like phrases they are also types of clauses so the same types of clauses are given that is noun clauses adjective clauses and adverb clauses so first of all i will explain you about noun Clauses. So, what is noun clause? Clauses which perform the function of noun in sentences and act as subject, object, of verb, preposition. एंड कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड नाउन क्लासेज ऐसी क्लॉसेज जो एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर सकती हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क uh, कर सकती हैं एंड प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर सकती हैं एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट इन अन्टेंस एंड दीज टाइप ऑफ क्लासेज आर कॉल्ड नाउन क्लासेज सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ही इज इरीटेटिंग इज ट्रू कि वे इरीटेटिंग uh, है ये सच है सो दैट इज यूज एज सब्जेक्ट सेकेंड इज आई एम श्योर मैं श्योर हूं श्योर आपका वर्ब है दैट शी इज केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम कि वो अपने आप में सक्षम है कि वो अपना प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट कर पाए सो हेयर इट इज यूज एज ऑब्जेक्ट सो जो आपकी नाउन क्लॉज है इट कैन बी यूज एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब

Uh, the function it uh, modify the noun or pronoun in main clause means जो भी आपकी main clause है जो भी आपकी independent clause है उसके noun और pronoun को modify कर रही हैं means उनके बारे में बता रही हैं they are called adjective clauses so uh, the example is the girl who is wearing a fur coat lives in Shillong so the girl is subject okay that is main clause who is wearing a fur coat जो एक fur coat पहनी हुई है वो कहाँ रहती है Shillong में रहती है so that means who is wearing a फरकोट uh, आपका क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है वाई इज इट एडजेक्टिव क्लॉज बिकॉज ये आपकी मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है दैट इज द गर्ल उसको मॉडिफाई कर रही है नेक्स्ट आता है माई फर्स्ट कजिन होम माई लव इज लीविंग द सिटी टूमोरो मेरी पहली कजिन दैट इज मेन क्लॉज पहली कज़िन मीन्स मेरी जो बिल्कुल क्लोज कजिन है इट्स नॉट पहली कजिन मीन्स होम आई लव जिसे मैं प्यार करता हूँ करती हूँ इज लीविंग द सिटी टूमोरो वो कल शहर छोड़कर जा रही है सो हेयर होम आई लव क्या है आपका एडजेक्टिव क्लॉस हो गया बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट दैट इज माई फर्स्ट कजिन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसिस एडवर्ब क्लॉस ज सो clause. so, the the so, ऐसी clauses, जो मेन क्लॉस के अंदर एड्जेक्टिव सॉरी वर्ब को मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती हैं एंड समाइम्स अन अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है दे आर कॉल्ड एडवर्ब क्लॉसेज सो वॉट इज द एग्जाम्पल लेट सी द फर्स्ट वन इज द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द एम्बुलेंस लेफ्ट डॉक्टर आ गए थे इससे पहले की एम्बुलेंस जाती सो द डॉक्टर अराइव्ड अराइव्ड इज वर्ब डॉक्टर आए कब आए इससे पहले की एम्बुलेंस जाती सो इट इज़ एड वर्ब ऑफ टाइम बिफोर द एम्बुलेंस लेफ्ट नेक्स्ट इज द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज इट वॉज टू हॉट मैच जो था वो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी सो so, पोस्टपोन्ड आपका वर्ब है स्थगित हो गया था वाई बिकॉज इट वॉज टू हॉट इट इज एड वर्ब ऑफ रीजन रीजन क्या था पोस्टपोन होने का बिकॉज इट वॉज टू हॉट सो दीज वर द टाइप्स ऑफ क्लासेस विच आई हैव एक्सप्लेन यू आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ स्टिल एनी कंफ्यूजन इज देयर सो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सअप ऑल्सो सो आई विल मीट यू इन द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो टिल दैट कीप लर्निंग स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय एवरी वन